मैशले मैजिक एंड मशल सीजन 2 एपिसोड 11 तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें रियो और कार्डो दिखाए जाते हैं, जहाँ पर हमें उनकी कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जिसके बाद जो रियो रहता है वो हेडमास्टर की हेल्प करने के लिए वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम हेडमास्टर और मैश को देखते हैं, जहाँ पर हेडमास्टर मैश से कह रहे होते हैं कि ये तुम्हारे पीछे आया है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जहाँ पर मैश कहता है कि मैं आपको अकेले छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता। उसे सुनकर वहाँ पर हेडमास्टर इमोशनल हो जाते हैं और वहाँ पर इनोसेंट जीरो कहने लगता है कि मेरे बेटे मैश, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। यहाँ पर मैश को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, फिर इनोसेंट जीरो कहने लगता है तो तुम अपनी मर्जी से नहीं चलोगे तो तुम्हें मैं फोर्सफुली ले जाऊंगा। जिसके बाद जो इनोसेंट जीरो रहता है वो उन दोनों को अपने मैजिक के अंदर बंद कर देता है और साथ ही कहने लगता है कि मैं अपनी बॉडी को बार बार रिफिगर करता रहता हूं और इसलिए मैं औरों के मैजिक को भी चुरा सकता हूं और ऐसे ही मैंने अपने मास्टर का डार्क मैजिक भी चुराया है और अब तुम्हारी बारी है वोमबर्ग। और इतने में जो मैस रहता है वो हेडमास्टर को उस मैजिक की कैस से बाहर निकाल लेता है, पर जो इनोसेंट जीरो रहता है वो अपना काम कर चुका होता है। जिसके बाद वो वहां पर हेडमास्टर वोमबर्ग की छड़ी को लेकर उसका मैजिक यूज करने लगता है और उसे देखकर हेडमास्टर कह रहे होते हैं कि ये तो मेरे मैजिक का यूज मुझसे भी अच्छे तरीके से कर रहा है। और जिसके बाद इनोसेंट जीरो कहने लगता है कि मैंने दुनिया की सबसे पावरफुल पावर को अचीव कर लिया है, इसलिए अब ये दुनिया मेरी है। जहां पर इनोसेंट जीरो कहने लगता है कि अगला नंबर तुम्हारा है मैस। जहां पर हेडमास्टर कहने लगते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर इसने मैस को पाले तो हमारी उम्मीदें तबाह हो जाएंगी। पर जो मैस रहता है वो इनोसेंट जीरो के ऊपर हमला कर देता है और उसके ऊपर मुक्का लात बजाने लगता है, पर इनोसेंट जीरो को वहां पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता। जिसके बाद वो अपने मैजिक का यूज करता है पर मैस उसके मैजिक से वहां पर बच जाता है और दोबारा इनोसेंट जीरो के ऊपर हमला करता है। जहां पर इनोसेंट जीरो कहने लगता है कि अब तुम्हें पता चला मेरा मैजिक कितना पावरफुल है। पर इतने में हम देखते हैं जो इनोसेंट जीरो रहता है उसकी बॉडी डिफिगर्ड होने लगती है, जहां पर हेडमास्टर मैस से कहने लगते हैं कि इतने सारे मैजिक को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए इसकी बॉडी डिफिगर्ड हो रही है। और साथ ही वहां पर हेडमास्टर कहने लगते हैं कि इसलिए इसे एक परफेक्ट ह्यूमन बनना है ताकि ये सारे मैजिक को कंट्रोल कर सके, पर ये अभी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैस की बॉडी उसके पास नहीं है अभी। पर साथ ही वहां पर इनोसेंट जीरो कहने लगता है कि मैं तुम्हें पाके रहूंगा मैस। पर वहां पर हेडमास्टर कहते हैं कि मैस को अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। और वहां पर इनोसेंट जीरो कहने लगता है कि तुम्हें सच में लगता है कि कोई बिना मैजिक यूजर यहां पर सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि ऐसी कोशिश हमारे मास्टर एडम ने भी करी थी पर वो भी उनको नहीं बचा पाए थे जिनके पास मैजिक नहीं था, और तुम ये कर सकते हो क्या हेडमास्टर वोमबर्ग। और जिसके बाद इनोसेंट जीरो उन पर हमला कर देता है पर मैस वहां पर हेडमास्टर और खुद को बचा लेता है, जहां पर हेडमास्टर कहने लगते हैं कि इससे कुछ बदल नहीं जाता कि इनोसेंट जीरो और हमारी पावर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और जहां पर मैस कहने लगता है कि इस दुनिया का जो सबसे पावरफुल यूजर है वो तुम हो, तो इसे मैं अपनी मसल्स की पावर से बदल कर ही रहूंगा ताकि ये दुनिया मुझे एक्सेप्ट कर सके। पर वहां पर जो इनोसेंट जीरो रहता है वो कहने लगता है मेरे पास अभी इन बातों का वक्त नहीं है, मैं जा रहा हूं अपनी बॉडी को दोबारा फिगर करने के लिए। जहां पर हेडमास्टर सोचने लगते हैं कि क्या ये इतनी आसानी से यहां से जा रहा है, पर जो इनोसेंट जीरो रहता है वो अपने मैजिक का यूज वहां पर पड़े उन बीस्ट पर कर चला जाता है वहां से। उसे देखकर डोट कहने लगता है कि ये सब यहां पर अब क्या हो रहा है। जहां पर हम देखते हैं उन सब ने उन जो मॉन्स्टर्स को मारा था उन सब की बॉडी को मिलाकर वहां पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है, और उसे देखकर वहां पर हेडमास्टर और मैस भी हैरान हो जाते हैं। जहां पर इनोसेंट जीरो कहने लगता है कि तुम बहुत बोलते हो मैस, तो जो अपने दोस्तों को बचाओ उस मॉन्स्टर से, मुझे नहीं लगता तुम बिना मैजिक के उससे लड़ पाओगे। और इतने कहकर इनोसेंट जीरो वहां से चला जाता है। और वहां पर हम देखते हैं जो हेडमास्टर रहते हैं वो कमजोर फील करने लगते हैं और नीचे गिरने लगते हैं, पर इतने में रियो आकर उन्हें बचा लेता है और उन्हें ब्यूरो ऑफ मैजिक में ले जाने की बात कर रहा होता है। जहां पर हेडमास्टर मैश के बारे में बात करते हैं, जहां पर रियो कहने लगता है कि मैश यहां पर था, उसने कहा था कि वो आपको ढूंढेगा। और दूसरी तरफ हम मैश को देखते हैं जो कि स्कूल की तरफ जा रहा होता है, और हम पर बाकी स्टूडेंट्स को देखते हैं जिनके ऊपर से वो टाइम मैजिक हट चुका होता है और वो सारे समझ नहीं पा रहे होते कि यहां पर क्या हो रहा है। जहां पर मैक्रोन कहने लगता है कि अब ये सभी स्टूडेंट यहां पर पैनिक करने लगेंगे, और जिसके बाद सभी स्टूडेंट उस मॉन्स्टर को देखकर वहां पर डरने लगते हैं। और जिसके बाद वो मॉन्स्टर एक पत्थर उठाकर वहां पर उन स्टूडेंट्स के ऊपर फेंक देता है, पर लेंस उसे रोक लेता है। वहां पर जो मैक्रोन रहता है वो उन पत्थर के टुकड़ों को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद जो डोट रहता है वो अपनी पावर से उसके ऊपर हमला करता है, पर उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता उससे। और जहां पर डोट सोचने लगता है कि उसके आगे बैरियर कहां से आया, जहां पर कार्डो बताने लगता है कि इनोसेंट जीरो का बैरियर है और शायद अब इनोसेंट जीरो का एक आदमी यहीं पर है और हमें उसे ढूंढना होगा, मेडल उसे ढूंढ रहा है, तभी हम इसे हरा पाएंगे। और जहां पर हम देखते हैं इनोसेंट जीरो के आदमी ने वहां पर एक और मैजिक कास्ट करा होता है, जिसकी वजह से कोई भी वहां से बाहर नहीं निकल पा रहा होता और सभी वहीं फंस जाते हैं। जहां पर लेंस कहने लगता है कि अब हमें इस चीज का सामना करना पड़ेगा, जहां पर मैक्रोन तैयार हो जाता है। और साथ ही जो फिन रहता है वो सोचने लगता है कि यहां पर ये हो क्या रहा है, और जो लेमन रहती है वो कहने लगती है कि वो अभी मरना नहीं चाहती। और जिसके बाद एबल भी वहां पर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला करता है, पर एकदम से ही वो मॉन्स्टर रुक जाता है। सभी सोचने लगते हैं कि ये रुक कैसे गया, और वो पीछे जाने लगता है, जहां पर एबिस कहने लगता है कि ऐसा लग रहा है जैसे इसे पीछे से कोई खींच रहा है। जहां पर एबिस कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसके ऊपर लगा हुआ हर बैरियर हर मैजिक को काटता है, लगता है उसी का काम है। जहां पर हम मैश को देखते हैं जो कि उसे पीछे से खींच रहा होता है, और फिन देखकर सोच रहा होता है कि ये इतना पागल क्यों है। और जिसके बाद सभी स्टूडेंट वहां पर मैश को देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या कोई ऐसा पर्सन भी सर्वाइव कर सकता है जो मैजिक ही यूज नहीं करता हो। फिर हम मैश को देखते हैं जो कि और अपनी पावर से उसे दोबारा पीछे खींचने लगता है, और उसे देखकर सभी स्टूडेंट सोचने लगते हैं कि ये तो मैजिक भी यूज नहीं कर सकता, फिर भी ये हमारी हेल्प कर रहा है और हमारे स्कूल को बचा रहा है। जिसके बाद जो सभी स्टूडेंट रहते हैं वो वहां पर मैश को चेयर अप करने लगते हैं, और जो फिन रहता है वो सोचने लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिसे एक्सपेल किया जाने वाला था और साथ ही जो कोई मैजिक का यूज भी नहीं कर सकता था
और वो इस टाइम इस दुनिया के सारे रूल को चेंज कर रहा है जहाँ पर मैजिक सब कुछ है। और जिसके बाद जो फिन रहता है वो भी उसे चेयरअप करने लगता है, और फिर जो मैस रहता है वो अपने और पावर से उसे पीछे की तरफ खींचने लगता है और सारे स्टूडेंट उसे चेयरअप कर रहे होते हैं वहाँ पर। जिसके बाद जो मैस रहता है वो उसे वहाँ पर घुमाकर दूर फेंक देता है और वहाँ पर एक धमाका होता है जहाँ पर मैस उसे डिफीट कर देता है। जिसके बाद लेमन और फिन भी मैस के पास आ जाते हैं जहाँ पर लेमन कहने लगती है मुझे अपने होने वाले हस्बैंड पर प्राउड है। जिसके बाद मैस वहाँ पर क्रीम पफ खाने लगता है और दूसरी तरफ हम हेडमास्टर को देखते हैं जिनको होश आता है और वहाँ पर रियो कह रहा होता है कि उसने कर दिखाया। वहाँ पर हेडमास्टर कहते हैं कि इस पूरे मैजिक रैम में सिर्फ तुम ही इकलौते हो जो कि ऑब्लिक ऑब्लिक रूल फॉलो कर रहा है। और जिस इनके साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, और हाँ अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनकी लिंक में मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अपने भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं आपको नई वीडियो में नई एनिमे या फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।